दोस्तों दुनिया बहुत बड़ी है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि चाहे जितने भी दुनिया के चक्कर क्यों ना लगा लो, कुछ न कुछ चीज होती है जो हमेशा छूट ही जाती है। दोस्तों इंसान इस दुनिया का सबसे स्मार्ट प्राणी तो है, लेकिन इसी दुनिया में एक से बढ़कर एक ऐसे जीव भी हैं जिन्हें देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। कुछ ऐसे जीव जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज की हम अपनी स्पेशल वीडियो में आपको दुनिया के उन 10 जीव जंतुओं से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, और साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। नंबर 1, मेक्सिकन मोल लिजर्ड। दोस्तों जरा इस जीव को ही देख लीजिए, आपको क्या लगता है ये क्या कोई सांप है या कोई और जीव? गुलाबी रंग का सांप तो वैसे भी कहां ही होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि यह है मेक्सिको में पाई जाने वाली एक तरह की छिपकली। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सिर्फ मेक्सिको देश में ही पाई जाती है। ये देखिए, इस छिपकली के पैर व्हाइट कलर के पैर हैं इसके। दोस्तों कहा जाता है कि ये अंडर डेवलप्ड छिपकली होती है, हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट की माने तो छिपकली जमीन के नीचे रहना पसंद करती है, हालांकि इनकी संख्या कितनी है मेक्सिको देश में ये भी किसी को नहीं पता। लोकल लोगों के मुताबिक ये जहरीले होते हैं, हालांकि इंसानों पर बहुत रेयर केसेस में ही ये हमला करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भागने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इनकी स्पीड गोली के समान होती है। कई जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि जमीन के अंदर ये लाखों की संख्या में हो। नंबर 2, बैरेलाई फिश। दोस्तों पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली ये मछली दुनिया की सबसे क्विक मछली है। दोस्तों जब इस मछली को पहली बार देखा गया था तभी से ये दुनिया के लिए एक पहेली बन गई। जरा इस मछली को ध्यान से देखिए। दोस्तों आधी दुनिया को लगा कि इनकी आंखें सामने बनी ये दो गोल आकार वाली हैं, लेकिन ये सच नहीं था। जब साइंटिस्ट ने इस मछली पर रिसर्च किया तो पता चला कि इनकी आंखें इनके सिर में होते हैं, जबकि ये जो दो गोल आकार वाली चीजें हैं वो इनकी नाक है। जी दोस्तों, ये है आपके लिए बैरेलाई फिश। दोस्तों जरा गौर से देखिए इस मछली को, इसका सिर शीशे की तरह है, यानी कि ट्रांसपेरेंट। आप इनके सिर के अंदर की वो सारी चीजें देख सकते हैं जो मौजूद हैं। इनकी आंखें भी हरे रंग की होती हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि बैरेलाई फिश सिर्फ और सिर्फ अपनी सीध की चीजों को ही देख सकते हैं। दोस्तों ये मछली समुद्र में कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की गहराई में रहती है, और इनकी आंखें सिर्फ भले ही सीधे ही देख सकें, लेकिन ये 1 किलोमीटर तक की चीजों को आसानी से देख सकते हैं, तभी तो कोई भी शिकार इनसे बच नहीं पाता। दोस्तों क्या आपको इस मछली के बारे में पहले से पता था? आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 3, ब्राजीलियन ट्री हॉपर। दोस्तों ब्राजील में पाया जाने वाला ये ट्री हॉपर दुनिया भर में मशहूर है अपनी बनावट के लिए। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि ये हमला करने में भी बहुत तेज होते हैं। आपको पता होगा कि अमेज़न के जंगलों में इनका आतंक है, ये चुपचाप अपने शिकार पे हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, जरा इनके शरीर की बनावट को ही देख लीजिए, ये कितने खतरनाक दिख रहे हैं, ये कितने अलग दिख रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता मानो ये कोई हेलीकॉप्टर हो। दोस्तों इनके पंख भी दूसरे जीवों से काफी अलग हैं। भगवान ने इनके पंख ऐसे बनाए हैं मानो छतरी हो। जी हाँ, जब भी बारिश होती है ये अपने पंख फैला लेते हैं और बारिश के पानी से बच जाते हैं। नंबर 4, हैगफिश। दोस्तों बैरेलाई फिश की ही तरह हैगफिश भी एक प्रकार की मछली है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। आपको बता दूं कि ये जब झुंड में शिकार करते हैं तो मिनट से पहले किसी भी जीव को खा जाते हैं। जरा इनके चेहरे को ही देख लीजिए, ये कितने डरावने लग रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि हैगफिश एक साथ 100 से 150 की संख्या में समुद्र के नीचे तैरती हैं। अगर कोई बड़ी मछली भी इनके सामने से निकल जाए तो ये साथ मिलकर उस मछली पे हमला कर देती हैं। दोस्तों इनके दांतों की बनावट कुछ ऐसी होती है मानो ये किसी को भी नोच नोच कर खा लें। इतना ही नहीं, ये जमीन पर भी 2 दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। इंसानों के लिए हैगफिश इतने खतरनाक होते हैं कि जब भी कोई इनका शिकार करने के लिए जाता है तो हैगफिश अपनी बॉडी से एक तरह का लिक्विड रिलीज करती हैं जो कि या तो इंसानों को ब्लाइंड कर देता है, मतलब अंधा कर देता है, या उससे शिकारी का दम घुट जाता है। ये जो आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं ये है अमेरिका की, जहां एक बार हैगफिश को ले जा रही पूरी की पूरी ट्रक लुढ़क गई और उसके बाद मछलियों ने जो लिक्विड रिलीज किया वो आप देखिए। इसकी वजह से कई गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो गया। वाकई में खतरनाक होते हैं। नंबर 5, टफ्टेड डियर। दोस्तों आपने इस तरह का हिरन शायद ही पहले कभी देखा होगा। जी हाँ, ये हिरन ही है। आपको तो लग रहा होगा कि हिरन के सिर पे तो सींग होती है, इनके सिर पे कुछ भी नहीं है। आपने सही पकड़ा है, इनके सिर पे वाकई में कुछ नहीं है, ये बिना सींग वाले हिरन होते हैं।
लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, इनके साथ भी नहीं किया। सींग नहीं दिया तो दे दिए दो खतरनाक नुकीले से दांत। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बाकी हिरन की तरह ही मांसाहारी हैं। ये अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई इनके ऊपर हमला करने का प्रयास करे, और जब ये अपने नुकीले दांतों से किसी पर हमला कर देती हैं तो उनका बच पाना मुश्किल होता है। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके नुकीले दांतों पर ही मेल हिरन फिदा हो जाते हैं। क्या आपके मोतियों जैसे चमकते दांतों को देखकर आज तक कोई इंप्रेस हुई है? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6, फ्रिजिटेड बर्ड। दोस्तों, ये दिखने में बड़े ही रोमांटिक पक्षी लग रहे हैं। ये देखिए कैसे इनके थ्रोट यानी गले में दिल के शेप का एक बड़ा सा गुब्बारा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये गुब्बारे या तो गुलाबी कलर के होते हैं या फिर रेड कलर के, लेकिन सिर्फ मेल्स के पास ही ये गुब्बारे होते हैं। वो इसे फुलाकर फीमेल्स को इम्प्रेस करते हैं। ऐसे दिखने में बड़े ही खूबसूरत नजर आते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेल अपने गुब्बारों को फुलाकर आसमान में भी उड़ सकते हैं। हालांकि ये जब बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं तो अपने इस खूबसूरत से गुब्बारे को नहीं फुलाते। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने इससे ज्यादा खूबसूरत पक्षी अभी तक नहीं देखा होगा, और अगर ये सच है तो फटाफट लाइक और कॉमेंट्स तो आने चाहिए। नंबर 7, द लैम्प रेज। दोस्तों, ये हैं द साइको किलर। जी हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। इस मछली को साइको किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक किस्म की मछली होती है। ये एकमात्र ऐसी मछली होती है जिनके चेहरे पे कुछ और नहीं होता सिवाय दांतों के। यकीन नहीं हो रहा तो जरा ये देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये इतने खतरनाक होते हैं कि जिस जानवर या पानी के अंदर मछली पे हमला कर दें वो कभी जिंदा नहीं बच सकता। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये किसी जानवर को खाते नहीं है, ये सिर्फ उसका खून चूस लेते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि जो भी इनके लपेटे में आ गया वो 30 मिनट के अंदर अपनी जान गंवा देता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली हैं। दोस्तों, ये जानलेवा हैं इसलिए इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। अमेरिका में हर साल 24 से 30 ऐसे केसेस आते हैं जहां ये मछलियां इंसानों पर हमला करते हुए लोगों की जान निकाल देती हैं। नंबर 8, इल्यूसर मैक्रोरस। दोस्तों, ये है स्टाइल किंग कछुआ, दी इल्यूसर मैक्रोरस। आपको बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि अपने प्रजनन वाले हिस्से से भी पानी के अंदर सांस ले सकता है, और इसी की वजह से ये 72 घंटे तक पानी के अंदर आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता है। लेकिन जरा इसका स्टाइल तो देखिए, इसे देखकर आपको नहीं लग रहा कि ये पूरा तैयार वगैरह होके पानी के अंदर आए? ये कछुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वो भी बिल्कुल साफ पानी में। दोस्तों, जरा इसकी बॉडी को देखिए, ये हमेशा ही हरे रंग की काई से कवर्ड रहते हैं जो इन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। दोस्तों, इनके पास एक बड़ी सी पूंछ भी होती है जिससे ये अपने आप को किसी भी हमले से बचाते हैं। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े कछुए होते हैं और ऑफकोर्स सबसे खूबसूरत भी। नंबर 9, बॉल्ड उअकरे। दोस्तों, साउथ अमेरिकी देशों में ये जानवर पाया जाता है। देखने में काफी हद तक इंसानों की तरह ही लगते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो फिर से देख लीजिए। दरअसल दोस्तों, जब ये जानवर पैदा होते हैं तब इनके शरीर पे बाल घने और लंबे होते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर ही इनके सिर के बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं। इनको जब पहली बार देखा गया था तो लगा मानो कोई बीमारी हो गई है इन्हें, लेकिन बाद में पता चला कि ये होते ही ऐसे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि बॉल्ड यूकरे बड़े ही चालाक जानवर होते हैं। इनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है, लेकिन सबसे रोचक बात जो इनके बारे में कही जाती है वो ये है कि इनका चेहरा जितना लाल होता है फीमेल उनसे उतना ज्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। इनकी बहुत सी ऐसी हरकतें हैं जो इंसानों से मैच करती हैं। इनकी आंखें बिल्कुल इंसानों वाली होती हैं। इन्हें फल खाना पसंद होता है और इसके लिए दिन में कम से कम 22 किलोमीटर का सफर जंगल में तय कर लेती हैं। और अगर आप डेली 22 किलोमीटर चलते हैं तो फिट भी रहते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 10, सीरियल लीफ बीटल। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बदबूदार कीड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसकी दुर्गंध इतनी खतरनाक है कि किसी की जान निकाल दे, तभी तो इंसान इन्हें देखना तक नहीं चाहते। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब ये छोटे होते हैं तब इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। कहने का मतलब ये कि आप इनके शरीर के अंदर की हर वो चीज देख सकते हैं जो इनके पास है। इतना ही नहीं, ये कीड़े खतरनाक भी होते हैं। हालांकि ये खुद भी इंसानों से डरते हैं और इन्हें गंदगी ज्यादा पसंद है। इनके ऊपर मक्खियां अपना लावा देती हैं। इनका शरीर बड़ा चमकीला होता है। ये अगर किसी को डंक मार दें तो वो बहुत दर्दनाक हो सकता है, इसलिए इनसे भी हमेशा बच के रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
वहीं अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए।